stopping. No, I ain't stopping. I'm just getting started. Let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Hey, yo, that's me. I run it like a track meet. A rap fiend. I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach on drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is cracking. Now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade. I can blow your mind like JFK. I do what I want. You ain't gonna box me in like David Blaine. We get it popping, homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind. सर एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. टुडे वी हैव रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और ये नया वाला वेरिएंट है BS6 वाला और सिग्नल्स वाला कलर है. तो आज हमारे साथ आ ही चुकी है आखिर में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 F5 फ्यूल इंजेक्टेड BS6 वेरिएंट है ये. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एज यूजुअल. तो स्टार्ट करते हैं हेडलैम्प से. तो हेडलैम्प में आपको मिलता है हैलोजन सेटअप. राउंड शेप में आपको हेडलैम्प मिलते हैं. फ्लैट वाले हेडलैम्प्स है ये. तो पुरानी वाले में गोल टाइप का आता था, अब उसमें वो नहीं है. ये फ्लैट वाले हेडलैम्प्स हैं. बल्ब वाले इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको. रॉयल एनफील्ड वाले जो सॉकर्स मिलते थे, बड़े बड़े ह्यूज सॉकर्स मिलते हैं आपको. फ्रंट सस्पेंशन. सो नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन में आपको मिलता है रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट. साइड में आपको बाइब्री कैलिबर्स मिल रहे हैं, बाइब्री बाय ब्रेम्बो. और यहाँ पे रोटर्स, अच्छे खासे बड़े रोटर्स हैं यहाँ पे. ABS की आपको रिंग मिलती है. व्हील की बात करें तो व्हील आपको स्पोक व्हील मिलता है इस गाड़ी में. और अलॉय का भी ऑप्शन है, लेकिन स्पोक व्हील मिलता है इस गाड़ी में आपको. और 190/19 सेक्शन का टायर है इसमें. तो 19 इंच का व्हील. और ये ट्यूबलेस टायर नहीं है क्योंकि ये स्पोक व्हील है. आपको जानते हैं पीछे ब्रेक्स पे आते हैं तो पीछे भी आपको बाइब्री कैलिबर्स मिलते हैं. और रोटर्स आप देख सकते हैं पीछे, आगे के मकान भी छोटे हैं लेकिन ठीक है पीछे के हिसाब से. MRF के आपको टायर्स मिलते हैं पीछे में. पीछे के अगर टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ गायब हो गया है. 120/80/18 के पीछे के आपको टायर मिलते हैं, जो पीछे वाले पीछे टायर हैं. चौड़ाई कुछ इस तरीके से है. और व्हील्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से. आगे में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की व्हील्स के हिसाब से बताएं तो. और स्पोक्स व्हील हैं तो ट्यूबलेस टायर नहीं है, बस ये एक फॉल्ट है इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. सो व्हील्स के बाद बात आती है पावर की. तो व्हील्स पावर कहाँ से आती है? इंजन से. सो हेयर वी हैव द हार्ट ऑफ द मैटर. और ये है रॉयल एनफील्ड का 349cc 4-stroke एयर ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन. और पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 BHP की. टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 Nm का. और वेट क्लच है इस गाड़ी में. और BS6 कंप्लायंट के हिसाब से इसमें यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ऑटो सेंसर. और यहाँ पे मजल्स जितने भी लगने होने चाहिए लगे हुए हैं. गाड़ी का साउंड काफ़ी इंप्रूव हो चुका है पहले से, काफ़ी कम भी हो चुका है एक तरीके से कहें तो, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा कम नहीं हुआ है. थंप अभी भी गाड़ी में है. ये बेसिकली अपग्रेडेड इंजन है रॉयल एनफील्ड से. और ये पुराना वाला इंजन नहीं है. काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन कम हो चुकी है इस गाड़ी से, मतलब बिल्कुल ही कम हो चुकी है, ख़त्म ही हो चुकी है एक तरीके से वाइब्रेशंस गाड़ी में. और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है पुराने मॉडल्स के मुकाबले. गेयरबॉक्स की बात करें तो 1 down 4 up वाला गेयरबॉक्स है, 5-speed गेयरबॉक्स है गाड़ी में. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आते हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पहले हम लोग को मिलता है टैंक. तो टैंक यहाँ पे आपको 13 liter का टैंक मिलता है. और माइलेज अभी जो गाड़ी खरीदी गई है उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में. ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं तो थोड़ी देर में आपको ओनर से मिलाते हैं इस गाड़ी के. और उनसे पूछते हैं थोड़ा बहुत कि क्या है क्या नहीं है. तब तक हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं. सो फीचर्स में आपको मिलता है एनालॉग स्पीडोमीटर और ये फुल स्वाइप करता है. तो यहाँ से आप ऑन ऑफ और लॉक भी कर सकते हैं गाड़ी को. पुराने रॉयल एनफील्ड्स में यहाँ से लॉक करना पड़ता था, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. हैंडल बार मिलते हैं आपको. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है फ्यूल गेज, डिजिटल है वो. और ट्रिप मीटर मिलता है आपको. ट्रिप मीटर के साथ साथ आपको मिलता है ओडो भी यहीं मिलता है. आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको एक स्विच मिलता है आई का, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपना. तो टाइम आपको यहाँ पे मिलता है और कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है. 350 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है ओडो पे. और ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F. तो ये था आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. और यहाँ आपको बैटरी सिग्नल इंडिकेटर मिलता है. ABS की लाइट मिलती है आपको. और फिर से एक बार ऑन करते हैं. न्यूट्रल की लाइट मिलती है आपको. और फ्यूल कम होता है तो उसकी फ्यूल गेज मिल चुका है रॉयल एनफील्ड में. बहुत ही बढ़िया बात, क्योंकि जिस जनरेशन में गाड़ी चल रही है उसके जनरेशन में फ्यूल गेज तो अब तो देना ही चाहिए था. तो दे दिया है एनफील्ड ने कि अब बहुत यूट्यूबर ने बकवास कर ली है, अब दे दूंगी मैं एनफील्ड में फ्यूल गेज. सो क्लच पे आएँ. सो क्लच चलाते समय बात करें क्लच की, तो क्लच के साथ साथ आपको यहाँ पे पाइप निकलते हुए दिखती है तो कि अच्छी है. तो हम लोग बात करते हैं स्विच गियर्स की. तो स्विच गियर्स काफ़ी अच्छे हैं. यहाँ पे आपको टॉगल स्विच मिल जाता है
आप यहाँ से देखें तो कुछ इस तरह का टॉगल स्विच होता है। इस साइड पे आप देखें नीचे पे तो आपको हाई बीम, लो बीम और पास का स्विच मिलता है। सो ऐसे करके आप पास जला सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर देते हैं क्योंकि बैटरी में इशू हो जाएगा। और यहाँ पे आता है आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर। स्विच गियर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही लगी मेरे को। और हॉर्न यहाँ पे है तो हॉर्न एक बार सुन लेते हैं। तो ये था हॉर्न, काफ़ी लाउड हॉर्न, इनफील्ड फील्ड वाला ही हॉर्न लग रहा है। यहाँ ये आपका इग्निशन स्विच है तो यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से ऑन हो जाएगा और यहाँ इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे तो सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे आपको हज़ार्ड की लाइट दी हुई है, हज़ार्ड स्विच, तो यहाँ से आप हज़ार्ड ऑन कर सकते हैं। और हज़ार्ड ऑन करने के बाद चारों के चारों इंडिकेटर चलने लगेंगे। सो कुछ इस तरीके से चलते हैं। बेसिकली पार्किंग लाइट्स होती हैं बट इसको लोग हाईवे पे चलने के लिए इस्तेमाल भी कर लेते हैं। और आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर भी इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब आते हैं हम लोग सीटिंग पे। सीटिंग हमको यहाँ पे दिख रही है, स्प्लिट सीट है, एक काफ़ी चौड़ी सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। चलाते अभी मैंने इसको चलाया, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, बैक सपोर्ट अच्छा है। पीछे पिनियन की बात करें तो पीछे की पिनियन की सीट भी काफ़ी चौड़ी, काफ़ी अच्छी है। पीछे पे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाती हैं गाड़ी में। पीछे साइड में सस्पेंशन की बात करें तो पीछे साइड में आपको स्प्रिंग कॉइल वाले सस्पेंशन मिलते हैं जो कि गैस चार्ज वगैरह वाले नहीं है बस, लेकिन अच्छे हैं। और यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाता है, इंडियन नॉर्म है, आपको सारी गार्ड चाहिए ही होता है गाड़ी में। आपको फुल स्टैंड मिलता है, मेन स्टैंड जो है काफ़ी गाड़ियों से मिसिंग हो चुका है वो भी मिलता है आपको गाड़ी में। और जो आपके फुट पेडल्स हैं वो गिरने पे फोल्ड हो जाते हैं, सो वेरी गुड पॉइंट, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आपको हील टो वाला आपको वो मिलता है, शिफ्ट पेडल मिलता है। साइड में आपको किक नहीं मिलती है गाड़ी में, गाड़ी से किक गायब हो चुकी है, लेकिन गाड़ी में बहुत किक बची है अभी भी। सो देखते हैं अभी उसको चला के। साइड में आए तो ये नॉर्मल क्लासिक नहीं है, ये सिग्नल्स वाली है, तो यहाँ पे आपको सिग्नल 350 दिखता है। और यहाँ पे आपको एक यूनिक नंबर मिलता है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, सिग्नल वाले कलर में ये ऑप्शन मिलता है आपको और कहीं पे नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपका लोगो सुधारा गया है, तो लोगो में आपको लिखा रहता है मेड लाइक अ गन रॉयल एनफील्ड, और इसका स्लोगन ही है रॉयल एनफील्ड का मेड लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट, तो यही स्लोगन ही चलता था। तो ये बंदा मिलता है दौड़ता उड़ता हुआ। सो ये था। साइड में एग्जॉस्ट की बात करें तो पूरा ब्लैक आउट इंजन है और एग्जॉस्ट पूरा ब्लैक आउट है, तो अच्छी बात है। TP28, सो ये बेसिकली नंबर है उन लोग का, सिग्नल्स वालों का। सो ब्रेक लाइट जो आपको मिलती हैं वो बल्ब वाले मिलती हैं, और इंडिकेटर से पीछे जो है सब बल्ब वाले ही हैं। और यहाँ पे आपको क्रोम की एक रिंग मिलती है जो कि लुक को काफ़ी इनहेंस कर देती है। क्रोम इस गाड़ी में अच्छा खासा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, अच्छा खासा है। जैसे आपको साइड में कीज़ के होल के पास में क्रोम मिलेगा, स्पीडोमीटर पर क्रोम मिलेगा। साइड में आपको ये चीज़ जो है वो रॉयल एनफील्ड का लोगो है, तो इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। एक वेरिएंट जो एक चेरी वाला, चेरी क्रोम वाला कलर आता है इसका रॉयल एनफील्ड का, सिर्फ उसमें आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलने वाली है नेविगेशन वाली, और किसी में भी आपको ये डिस्प्ले नहीं मिलने वाली है। एज अ एक्सेसरीज भी आप इसको अभी नहीं लगवा सकते हैं मेरे ख्याल से, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आगे जाके फ्यूचर अपडेट्स में हो सकता है वो लोग ऐड करना चाहें या फिर ऐड ऑन करके एक एक्सेसरीज की तरह दे सकते हैं वो लोग एनफील्ड वाले, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं जो टैंक खुलने वाला है वो आपके हाथ में नहीं आता है, ऐसे ही करके खुल जाता है, तो खोल के दिखा देते हैं ऐसे करके। सो ऐसे करके खुलता है और इस तरीके से टैंक कैप रहता है। और तो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशंस गाड़ी की। और साइड स्टैंड में आपको क्रोम मिल जाता है, और साइड स्टैंड सेंसर है कि नहीं है एक बार चेक कर लेंगे गाड़ी को चलाते समय। और मेन स्टैंड मिल जाता है वो गाड़ी में। अब इसको खोल के देखते हैं एक बार, ओनर को बुलाते हैं, सबको खोल के देखते हैं क्या है अंदर, क्या है नहीं, और फिर देखते हैं। सो यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी का प्लेसमेंट और थोड़े बहुत स्विच वगैरह, वायरिंग वगैरह मिलती है आपको यहाँ पे। और अपोजिट साइड में हम लोग देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे आपको मिलता है एयर फिल्टर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और बाकी क्या बोलते हैं फर्स्ट एड वगैरह रख सकते हो अगर चाहो तो ना। सो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलती है पार्किंग लाइट्स की। सो ये इनफील्ड में देखने को मिलती है ज़्यादातर, और ये भी बल्ब वाली ही है। और यहाँ पे ये ऑटो है, ऑटो ऑन है, ये हमेशा ऑन ही रहती है, तो आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। इग्निशन ऑन करने पे आपको हेडलैम्प्स ऑन नहीं होते हैं, सिर्फ यही ऑन होती है, अच्छी चीज़ है, बैटरी सेव करती है। सो आपने क्लासिक 350 खरीदी है तो आप लद्दाख ज़रूर जाएंगे, लद्दाख जाएंगे तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी फ़ोन की, तो फ़ोन को चार्ज कैसे करेंगे? फ़ोन को चार्ज करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने दिया हुआ है यहाँ पे एक पोर्ट, तो यहाँ पे आपको टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है USB का, जो आप नॉर्मल चार्जर्स में लगाते हैं। सो वो आप यहाँ से फ़ोन डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, तो अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल से एनफील्ड की तरफ से। आइए चला के देखते हैं। तो गड्ढा हो गया रोड में बिल्कुल।
सो हियर वी आर राइडिंग द न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 वाला वेरिएंट। और जैसे ही आप इस गाड़ी को चलाने वाले हैं ना, आपके मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल आने वाली है, क्योंकि इसका इंजन इतना स्मूथ हो चुका है, इतना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं। आपको लगेगा मेरी स्प्लेंडर से ज़्यादा वाइब्रेशन करती है, हैंडल बार से वाइब्रेशन गायब हो चुका है, गियर शिफ्ट बहुत स्लिक होते हैं, 5-speed गियर बॉक्स है, बल्कि फिर भी वाइब्रेशंस आप देख सकते हैं रेयरव्यू मिरर्स पे, आपको क्लियरली दिख रहा है सब कुछ, कोई भी वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। कि रॉयल एनफील्ड काफ़ी वाइब्रेशन करती है वो सब खत्म कर चुके हैं सब लोग बिल्कुल, मतलब हैंडल बार में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन इनिशियल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मिड रेंज भी काफ़ी इसकी बढ़ चुकी है गाड़ी में। और अगर हम लोग इंजन की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं गाड़ी को। ऐसे पलक झपकते ही 50 कर लेती है, 80 करने में इसको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। मैं इतना उत्साहित हो जाता हूँ कि पिछली वाली वीडियो मैंने इतनी हवाबाजी में निकाल दी कि इसमें हवा ही हवा की आवाज़ आ रही है। सो इतनी स्मूथ हो चुकी है कि आपको स्पीड का पता भी नहीं लगने वाला है गाड़ी में। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको विजिबल होता है क्योंकि एनालॉग है और क्लियरली विजिबल है, तो एकदम ऐसे पोजीशन है कि एकदम विजिबल है। इंजन का टॉर्क अच्छा है, काफ़ी टॉर्की इंजन है। राइडिंग पोजीशन की बात करें, राइडिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, हैंडल बार्स दिए हुए हैं, सो अपराइट आपको हैंडल पोजीशन मिलती है, मतलब अपराइट राइडिंग पोजीशन मिलती है, तो शोल्डर्स वगैरह आपके बहुत जल्दी दुखने नहीं वाले हैं। काफ़ी लंबी राइड्स करने के बाद भी आपके शोल्डर्स नहीं दुखेंगे। और बात करें अगर हम लोग इसके ब्रेकिंग की, सो वी विल ब्रेक एट 40 और देखते हैं इसकी रेयर ब्रेक्स कैसी हैं, उसके बाद कंबाइंड ब्रेक्स कैसी हैं। सो 40 पे आ चुके हम हैं और क्लच के साथ रेयर ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छी हैं गाड़ी की, हालांकि बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर नहीं कह सकते क्योंकि जो हैवी बाइक्स होती हैं उसमें पीछे के ब्रेक्स इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि ड्यू टू द हैवी वेट पुलिंग इटसेल्फ, तो ये बात होती है। और अगर हम लोग बात करें इसके दोनों ब्रेक्स के कंबाइंड करके, क्योंकि अगर रोटरी बड़ा हुआ है तो एक बार ट्राई करते हैं उसको, डुअल चैनल ABS गाड़ी है ये, 40 पे हम लोग डुअल ट्राई करने वाले हैं। सो पीछे देख लेते हैं, सो 3-2-1 हियर वी गो। भाई बिल्कुल खड़ी हो जाती है गाड़ी और क्या ही अच्छे तरीके से ब्रेक करती है कि पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं। और गाड़ी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, बताऊँ आपको, अगर चलते समय गाड़ी में आपको लगे कि आप बहुत हैवी गाड़ी चला रहे हैं सो रॉयल एनफील्ड में नाम बदल देगा, मैं क्यों बदलूँ भाई, लेकिन बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता है कि आप इतनी हैवी गाड़ी चला रहे हैं। 185 के आसपास इसका वेट है, मतलब अच्छा खासा वेट करती है गाड़ी, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलता, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने देती है कि आप 185 kg गाड़ी चला रहे हैं। कॉन्फिडेंस रेस कर देती है, टायर्स इतने ग्रिपी हैं इस गाड़ी में, मतलब ऑल टोटल में बात करें सो आपने जितना पैसा लगाया है सब आपका वसूल होने वाला है, बिल्कुल भी आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एक चीज़ मिसिंग है, मतलब कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती मेरे ख्याल से, लेकिन उन लोगों ने वो एक मॉडल के रोक लिया, पता नहीं क्या सोच के, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आगे एक्सेसरीज़ में देखेंगे। वासु भाई की भी गाड़ी है भाई, मैं एक्सेसरीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लगी है, अभी गाड़ी बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल ही सिंपल ही अच्छी भी लग रही है। और आगे देखते हैं भाई क्या क्या कराता है। और इसके अगर आपको और लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ आपको इसके मिलने वाले हैं इसी चैनल पे। थोड़ी एज हो जाए गाड़ी, मतलब थोड़ा और चल ले गाड़ी, उसके बाद हम लोग इसको लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाते हैं। अभी 433 किलोमीटर चली है, मतलब 433 किलोमीटर चली है और अच्छा खासा तेल पी चुकी है क्योंकि रॉयल एनफील्ड तेल तो पीती ही है। और बाकी इंजन वाली बात करें तो इंजन अब मीटियोर वाला इंजन है, मतलब कि काफ़ी अपग्रेडेड वाला इंजन है, पुराना वाला इंजन नहीं है ये। सो टोटल बताऊँ मैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, क्लच लाइट है, ब्रेक अच्छी हैं, पीछे वाली थोड़ी सी नहीं सही है लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड वाले ब्रेक मारते भी नहीं है ये तो खैर वाली बात है, लेकिन ब्रेकिंग अच्छी है गाड़ी की, ब्रेकिंग अच्छी है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 120 के आसपास तो करना होता है, क्रूज़र मोटरसाइकिल है तो 120 आराम से अचीव कर सकती है, स्मूथली कर लेती है, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अब तो बहुत वाइब्रेशन कट ऑफ हो गई है, बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई, बहुत क्या बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई, पता भी नहीं चल रहा है सिर्फ, तो अब सिर्फ वाइब्रेशन नहीं है, अब सिर्फ इंजन का कैरेक्टर है। सो ये गई अपाचे RTR 164 भी, इसका भी ब्लॉग आने वाला है, सो इसको अगर आपको देखना है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत में। और ये थी आपकी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और काफ़ी अच्छा कलर मेरे को लगा, बिल्कुल सैटन कलर है, काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल बनाई हुई है रॉयल एनफील्ड वालों ने। सो ऐसे भी अच्छी लगती थी रॉयल एनफील्ड क्योंकि वो क्लासिक वाला मैटर था और अभी भी अच्छी लगती है। सो ओवरऑल मोटरसाइकिल की बात करें, ओवरऑल मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी परफॉर्मेंसी वाली कर दी गई है,
अगर कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन में आपको मिलती है जावा 42 और यसडी रोडस्टर। यसडी इससे थोड़ी महंगी है, जावा से थोड़ी सस्ती है, लेकिन मैं बताऊं अगर रॉयल एनफील्ड की लेगेसी की बात करें, रॉयल एनफील्ड की लेगेसी अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत पहले चली आ रही है, नाम बना चुकी है। जावा भी मार्केट में आया है, देखते हैं क्या होता है। फीचर्स वाइज जावा इज़ बेटर, नो डाउट जावा इज़ बेटर, क्योंकि उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा LED है, इंजन लिक्विड कूल्ड है और काफ़ी फास्ट है मेरे ख्याल से जावा, इससे बिल्कुल फास्ट है, उसमें अब कोई वे नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की, तो रॉयल एनफील्ड सिर्फ अपने नाम से बिक जाएगा। आप फीचर्स दिखाते रहोगे लोगों को, लेकिन रॉयल एनफील्ड रहेगी। इसके इंजन ने अपने आप को इतना साबित किया है अपने एज में कि मेरे शायद ही किसी गाड़ी ने किया होगा। सो इस वजह से मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड की तरफ अगर मेरे को भी जाना होगा, सो एक बार मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं रॉयल एनफील्ड ही खरीदूँ अगर मेरे को जावा ख़रीदनी होगी तो। सो एनफील्ड यहाँ खड़ी हुई है और ये अवेलेबल कराई है हमारे निशांत भाई ने, बैठे हुए यहाँ। और यहाँ पे आते हैं ओनर्स, तो यहाँ पे भाई हमारे ओनर हैं वासु कनौजिया। तो कैसे भाई, रॉयल एनफील्ड ही पसंद थी, खरीदनी थी? हाँ भाई, बस मन था कि रॉयल एनफील्ड लेना है, कोई भारी गाड़ी लेनी है। अच्छा, लगे कि हाँ गाड़ी आई है। तो भाई ने अभी अपना कॉलेज वॉलेज स्टार्ट किया, एंट्री जो होगी इनफील्ड पे ही होगी। सो ये फेवरेट टाइप की गाड़ी है ना, मतलब एक तरीके से। और ये भाई हमारे साथ है, भाई सबसे पहले नाम बता दो अपना। मेरा नाम है प्रशांत राजपूत। तो प्रशांत भाई, नॉलेज आपको बहुत है इनफील्ड में, वो क्या पसंद आया पुरानी वाली के मुकाबले, इसमें क्या अच्छा लगा आपको? मैंने बता दिया भाई को कि मेरे पास एक ओल्ड मॉडल भी है। हाँ हाँ, भाई एक ओनर भी है, जैसे बता दूं मैं आपको, तो भाई एक ओनर भी है पुरानी मॉडल वाली इनफील्ड के। सो लेगेसी मेंटेन्ड है पूरी, तो पुराने जमाने से चली आ रही है, तो बिल्कुल मेंटेन्ड है भाई, क्योंकि जब आप बैठो और अपना हैंडल बार पकड़ो और गाड़ी लेके निकलो तो फील आता है कि हाँ रॉयल एनफील्ड इनफील्ड ही चला रहे हो। इनफील्ड ही चला रहे हैं, वो फील कहीं खत्म नहीं की। जैसे लोग कह रहे थे कि राइड हाइट कम कर दी गई है और मतलब इंजन स्मूथ किया तो वाइब्रेशन पूरा फील चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, फील अभी भी है, फील अभी भी है। मैंने खुद गाड़ी चलाई है और मेरे को दो चीजें तो रॉयल एनफील्ड में सबसे मेन प्रॉब्लम आती थी, मेरे को लगा उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात जो इसकी मिड रेंज पावर डिलीवरी है, वो मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगी। दो गियर नंबर 2 और नंबर 3 गियर में जो इसका पिकअप है वो मुझे काफी अच्छा लगा। और सेकंड मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज, इंप्रेसिव चीज लगी इसका ब्रेकिंग, ब्रेकिंग जो ऑन द स्पॉट ब्रेकिंग है, बिल्कुल आप ब्रेक लगा दीजिए, सडन ब्रेकिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, सडन ब्रेकिंग में काफी अच्छी करती है। तो बाकी में तो इनफील्ड अच्छी थी, लेकिन फिर सडन में और ज्यादा अच्छी, और अच्छी, और सबसे ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग मेरे ख्याल से फ्रंट वाले की करी गई ना, ब्रेकिंग है। लेकिन अगर आप दोनों कॉम्बो में लगाते हैं तो फिर तो बिल्कुल अनबीटेबल हो जाती है। और भाई पीछे एक और इनफील्ड जा रही है, तो जाने देते हैं क्योंकि एग्जॉस्ट बहुत डिस्टर्ब करता है भाई। तो एग्जॉस्ट को क्या बोलोगे भाई एक तरीके से? एग्जॉस्ट तो मैं बोलूंगा कि मतलब लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? लगवाना तो चाहिए, इतना फील नहीं आएगा, वो नेसेसरी नहीं था इतना कम करने का। हाँ, लेकिन फिर भी ठीक है, वो तो आदमी रॉयल एनफील्ड लेगा तो साइलेंसर करवा ही लेगा, वो तो एग्जॉस्ट लगवाएगा। चलो भाई, और भाई एक और चीज, माइलेज कितना दे रही है भाई? माइलेज तो अभी मतलब कनौजिया भाई, माइलेज कितना दे रही है भाई? बस अभी तो पहली सर्विस नहीं हुई है, 20-25, क्योंकि अभी पहली सर्विस हुई नहीं है तो उसके पर्स खाली कर रही है सारा। 350 किलोमीटर में भाई 2000 का पेट्रोल डला चुके हैं। बहुत सही, तो अभी आपको मैंने ओडो दिखाया था, 350 के आसपास ही चली है, तो 2000 के आसपास का पेट्रोल पी चुकी है भाई, 2500 मान लो। बहुत सही, सो ऐसी फ्यूल इकोनॉमी होती है गाड़ी की। अगर आप 350 cc का 20 अफोर्ड करना चाहते हैं तो इसको पेट्रोल को भी लेके चलिएगा, ये नहीं कि आपने 2.5 लाख रुपए लगा दिए उसके बाद अब सोच रहे बिल्कुल खाली हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, पैसा निकलना, तो अभी मुर्गी से महंगा मसाला हो गया चल ही रहा है वैसे अभी। और नीचे पे आपको लेग गार्ड वेग गार्ड अभी कुछ नहीं देखने को मिलता, अभी सब कुछ लगेगा, तो उसकी सबकी वीडियो भी आ जाएगी, इसकी फर्स्ट सर्विस होने के बाद भी इसका रिव्यू कैसा है कैसा नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, माइलेज कितना बढ़ी है और क्या माइलेज दे रही है उस समय। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये मैंने खुद देखी है, मतलब ऐसे यूज करते हैं, इसका जो फ्यूल मीटर है उसमें हल्का ग्लिच है। अच्छा, जैसे आप चाबी ऑन करेंगे तो आपको अभी फुल टैंक दिखाएगी, दस कम से कम एक मिनट के लिए आपको फुल टैंक दिखाएगी, उसके बाद ये अपना सही करती है, तो वो सही करती है, फिर इसमें एक ग्लिच है रॉयल एनफील्ड को जो इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन एक चीज सही है ना, अभी तो ये बच्चे हैं इसमें फ्यूल गेज में, अभी तो लेके आए, अभी तो लेके थोड़ा चलते चलते सीखेंगे, चलते चलते सीखेंगे। चलिए, दिस वॉज द रिव्यू ऑफ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 फ्यूल इंजेक्टेड। और कैसी लगी आपको ये सिग्नल्स वाला कलर, हमें कमेंट जरूर बताइएगा। और आपको क्लासिक अच्छी लगती है कि जावा अच्छी लगती है, हमें कमेंट जरूर बताइएगा। और बाकी क्या खरीदने वाले हैं आप लोग, क्रोम में पसंद है, सिग्नल से पसंद है, कमेंट्स करना बिल्कुल ही मत भूलिए। और भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट्स में हिट करिए फटाक से। सो इसी नोट के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
साइड स्टैंड चेक कर रहे हैं हम लोग। तो पहले गियर पे अगर आप साइड स्टैंड लगाए रहेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। न्यूट्रल कर लीजिए भाई एक बार। सही है, न्यूट्रल तो न्यूट्रल पे हो जाएगी। बस साइड स्टैंड में दिक्कत होती है, बाकी ये सेफ्टी फीचर है। तो थम्स अप फॉर द रॉयल एनफील्ड। गाड़ी का कब वेट है 195 kgs। और आपको पता कैसे चलेगा, जब आप खड़ी कर देंगे तो यहाँ पे गड्ढा हो चुका है। सो मोदी जी रोड बनाते रहे, एनफील्ड वाले हटाते रहे, इसीलिए पैदा करी है इन लोगों ने एनफील्ड। ये भी दिखाते हैं, उतारो भाई उतारो। तो डबल स्टैंड भी देख लेते हैं हम लोग। और गाड़ी सो स्क्रैच लगा ही देती है टारमैक पे। तो मिट्टी, अगर आपकी नरम मिट्टी है आपके घर में और आप चाहते हैं खड़ी कर लें तो वो घुस जाएगी अंदर, तो उसके लिए सतर्क रहें। चलिए